नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एसएससी की तरफ से स्टेनो की 2006 पदों पर वैकेंसी निकल चुकी है और निकट समय में एसएससी ने इस वैकेंसी को और भी बढ़ाने का वादा किया है। हालांकि बहुत सारे बच्चे जो टीम परीक्षा प्लस से जुड़े हैं, जिनको स्टेनो स्किल आती है, वो चाहे यूपीपीएससी एपीएस के बच्चे हो या फिर यूपीएसआई एएसआई मिनिस्ट्रियल संवर्ग में जो यूपीएसआई स्टेनो का पद होता है, उनमें बहुत सारे बच्चे लगातार पिछले 2-3 साल से जुड़े हुए हैं और लगातार फोन कॉल करके मैसेज करके इस बात की सूचना मांग रहे हैं टीम से कि सर क्या स्टेनो की तैयारी करनी चाहिए। हम सर राष्ट्र स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी माध्यम से है, हिंदी विषयों की जो हमारा ज्ञान है वो ज्यादा बेहतर है, इसमें इंग्लिश का संभाग ज्यादा पूछा जाता है, तो क्या सर हम इसकी तैयारी कर सकते हैं? और इसके लिए मेरी जिम्मेदारी दायित्व बनता है कि आप सभी को एक बेहतर गाइडेंस, एक सही मार्गदर्शन और सारी जो इंफॉर्मेशन है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन, वो चाहे फॉर्म से संबंधित हो, एलिजिबिलिटी से संबंधित हो, आपको तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो किस प्रकार करनी चाहिए, कहां से आप कर सकते हैं, सारी चीजें मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूं। यदि आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, चैनल पे पुराने हैं और नहीं सब्सक्राइब किए तो भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और सबसे बड़ी बात है सेशन को लास्ट तक देखिएगा, पसंद अवश्य आएगा और जब पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कैसे करें तैयारी एसएससी स्टेनो नोटिफिकेशन के बारे में। इसमें कौन भर पाएगा फॉर्म, एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। तो अगर एसएससी की बात किया जाए, अभी कल इन्होंने क्या किया है, रात में नोटिफिकेशन जारी किया है और रात में नोटिफिकेशन जारी करने के बाद से लगातार बच्चों के कॉल और मैसेजेस आने लग गए हैं कि सर अब इसके लिए कुछ करवाइए, इसकी तैयारी करवाइए। तो देखिए 26 तारीख से इसके फॉर्म चालू हैं और 17-8 इसका लास्ट डेट दिया गया है फॉर्म भरने का, इसका आप लोग विशेष ख्याल रखिएगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो 17-8-2024 है, उसके बाद लास्ट डेट जो पेमेंट की है वो 18 है, करेक्शन विंडो भी दिया जाएगा वो 27-8 से लेके 28-8 है, और सबसे बड़ी बात है जो सीबीटी आपका होना है वो सीबीटी आपका अक्टूबर से नवंबर मंथ में, इसे क्या किया गया है, इसे शेड्यूल किया गया है कैलेंडर के अनुसार। तो अक्टूबर नवंबर मतलब जुलाई तो समाप्त हो गई, आपके पास अगस्त बचा, सितंबर बचा, और अक्टूबर में जितना समय मिल जाए, अक्टूबर पूरा मिल जाता है तो बहुत बेहतर है, नहीं मिल पाता है तो अक्टूबर में जितना समय मिल जाए आप मान के चलो 2.5 से 3 महीने आपके पास समय है, लगभग आपके पास 70-75 दिन से 90 दिन के बीच में समय है। और ऐसे में आपके पास 3 संभाग होते हैं, एक इंग्लिश है, एक रीजनिंग है और एक आपका जीके जीएस है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारी बातें हम लोग चर्चा करेंगे कैसे तैयारी करें, लेकिन उससे पहले कुछ डाउट आपको क्लियर कर दूं। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे सर इसमें क्या जो ग्रेड सी की जॉब होती है इसमें गेस्टेड रैंक की भी होती है, 4200-4600 ग्रेड पे की भी होती है, ये बहुत सारे बच्चों के डाउट्स लगातार आ रहे हैं, इसको मैं क्लियर कर दूं। एक चीज समझिएगा, अगर ग्रेड वाइज जाएंगे तो इसमें ग्रेड वाइज जो वैकेंसी है, 2 वैकेंसी आती है, एक आपकी क्या होती है ग्रेड सी, सबसे ज्यादा जो बच्चा डिमांड करता है, मतलब एक उसका सपना होता है ग्रेड सी में जाने के लिए, और दूसरी क्या है, दूसरा है आपका ग्रेड डी। इस ग्रेड को आप ग्रुप मत समझिएगा, ये ग्रेड सी और डी है, ग्रुप सी और डी नहीं है। ग्रेड सी में लेवल 6 किसकी, लेवल 6 की जॉब और लेवल 7 की जॉब, मतलब आप समझ सकते हो कितना बेहतर जॉब है। हालांकि नॉन गेस्टेड कैटेगरी में है, लेवल 6 लेवल 7 की जो जॉब होती है राज्य स्तरीय में पीसीएस कैटेगरी की जॉब होती है अगर बात किया जाए, और केंद्र स्तर पे तो लेवल 6 लेवल 7 इन्हें बोला ही जाता है। अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो ये टीजीटी पीजीटी के कंपेरिजन में, टीचिंग एग्जाम के कंपेरिजन में जाता है, तो एक बहुत अच्छी सैलरी होती है, बहुत बेहतरीन रेपुटेशन होता है, और सबसे बड़ी बात है कई ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, कई ऐसे विभाग होते हैं जिनमें आपको पावर मिल जाती है, पावर इन द सेंस जैसे आप किसी अधिकारी के साथ लगे हो, किसी अधिकारी के स्टेनो हो, तो वहां पे आपको क्या मिलती है, अतिरिक्त पावर मिल जाती है और आपका जॉब प्रोफाइल तो बहुत बेहतर रही है। हालांकि मैं जॉब प्रोफाइल की एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे बहुत ज्यादा कार्य है, लेकिन एक बहुत अच्छा पद, एक बहुत अच्छा रुतबा, एक बहुत ड्रीम जॉब है स्टेनो वालों बच्चों के लिए लेवल 6 और 7 की। और जो ग्रुप डी होती है इसमें आपके लेवल 4 और लेवल 5 के जॉब होते हैं, इसमें क्या होता है लेवल 4 एंड लेवल 5 के जॉब होते हैं, यह बात आप ध्यान दीजिएगा। तो सैलरी भी इनकी काफी अच्छी होती है, अगर मैं ग्रॉस सैलरी की बात करूं, नेट सैलरी 85,000 लगभग 6 और 7 की बैठती है, इन हैंड सैलरी इस समय मौजूदा समय 50% अगर डीए वगैरह देखा जाए तो लगभग 80-85 हजार इन हैंड सैलरी बनती है लेवल 6 लेवल 7, मतलब कि ग्रेड सी वाले के। हालांकि इसने बोला है कि ग्रेड सी जो है ग्रुप बी, ये ग्रुप बी कैटेगरी होती है, जो ग्रेड सी है अगर ग्रुप के हिसाब से आप देखोगे तो ये क्या है, ये ग्रुप बी कैटेगरी है, ये कौन सी कैटेगरी है, ये ग्रुप बी कैटेगरी है, और जो ग्रेड डी है अगर ग्रुप के हिसाब से देखोगे तो ये ग्रुप सी कैटेगरी का है। और ये हालांकि सारे पद क्या है, नॉन गेस्टेड है,
ऐसी अगर तुलना किया जाए जैसे उत्तर प्रदेश या फिर यूपीपीएससी की तरफ से एपीएस की वैकेंसी आई थी, अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि एपीएस से बेहतरीन पद है, लेकिन कुछ मायनों में ऐसे लेवल सिक्स और लेवल सेवन पद क्या होते हैं, एपीएस के समकक्ष आ जाते हैं। और बाकी जैसे अगर कोई कंपेयर करे कि यूपीएसआई में मिनिस्ट्रियल संवर्ग में आपका आता है स्टीनो वगैरह का, तो उससे कंपेयर किया जाए तो उनके लेवल सी से कंपेयर करोगे तो वहां से कहीं ज्यादा बेहतर जॉब है। इसमें समस्या बस ये होती है जैसे राज्य स्तरीय होते हैं तो आपको राज्य स्तरीय में अपने राज्य में मिलता है, केंद्र स्तरीय में आपको कहीं भी मिल सकता है, लेकिन ज्यादा अगर आपकी रैंक अच्छी है, आपने प्रेफरेंस अच्छा भरा है, आपके नंबर अच्छे हैं, तो ज्यादा चांसेस होते हैं आपके मन मुताबिक जो आपने सेंटर भरा है वहां पे आपको जॉब मिल जाती है। तो ये एक बहुत बेहतरीन है। अब यहाँ पे जो प्रश्न आता है कि सर इसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मैं साफ साफ बोलूंगा भैया कि इसकी तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए। आपका लेवल सी में हो जाए तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। रही बात जैसे टोटल 150 नंबर का 200 नंबर का पेपर होता है, और 200 नंबर में अगर आपके 150 के आसपास नंबर आ जाते हैं तो आपको लेवल 607 वाली जॉब मिल जाएगी। अभी तक कभी भी कट ऑफ 146-47 से ज्यादा नहीं गया है। पिछली बार 146-47 था लेवल इसका और 130-131 था करीबन लेवल ग्रुप डी सॉरी ग्रेड डी का। ऐसे अगर उससे पहले की बात करें तो जो लेवल 607 था, जो ग्रेड सी था, इसकी जो कट ऑफ गई थी 141-139 के आसपास गई थी। तो धीरे धीरे ये कट ऑफ बढ़ रहा है, पेपर पे भी डिपेंड करता है, कंपटीशन भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है, लेकिन हर बार इतने पद नहीं आते थे जितना इस बार पद है। और इस बार सबसे बड़ी बात है चांसेस बहुत ज्यादा है, और ये चांसेस इसलिए क्योंकि इसमें मांगता क्या है, इसमें मांगता है स्टेनो। जो बच्चे नहीं जानते उन बच्चों को बता दूं, इसमें जो मांगता है बेटा स्टेनो मांगता है, और स्टेनो स्किल आनी चाहिए। हालांकि स्टेनो स्किल का कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता, आपको ये स्किल सीख लेना है बस। जो बच्चे पहले से सीखे हैं उनके लिए तो ये बहुत बेहतरीन जॉब है, तो आपको बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। एलिजिबिलिटी आपको मैं बता दूं, ये जैसे मैं बता रहा था कि इसमें जो ग्रेड सी होता है लेवल 6 और 7 होता है, इसमें 4200 और 4600 ग्रेड पे की जॉब होती है, मतलब कि जिसे एपीएस 4800 ग्रेड पे की है तो उससे तो नीचे है। लेकिन अगर आप यहां पे बात करोगे यूपीएसआई मिनिस्ट्रियल वगैरह में, तो उसमें जो ये 4600 ग्रेड पे है ये उससे कहीं ज्यादा अच्छी जॉब है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहां पे जा सकते हो तो ये बेहतर है। और सैलरी रेंज अगर बात की जाए ऐसे लेवल 4 और 5 में 2400 ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे, तो एसएससी में स्टेनो के 2400 2800 4600 और 4200 चारों ग्रेड पे की जॉब निकलती हैं, और आपको इसके लिए आवेदन करना चाहिए। जहां तक अगर मेरी बात माना जाए, अगर हम इनकी सैलरी की बात करेंगे तो ये जैसे 4600 ग्रेड पे की 4200 2800 और 2400 सारे ग्रेड पे के सैलरी में होता है। बेसिक पे आपका ये है 44900 35400 29200 25500 50% आपका डीए लगेगा, तो इसका जस्ट आधा हो जाएगा। एचआर एक्स वाई जेड सिटीज का अलग अलग लगेगा, वो आपका यहाँ पे चार्ट में आप देख सकते हो। ट्रेवल अलाउंसेस भी आपको यहाँ पे कई जगह पे मिलते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है, कुछ डिडक्शन भी होता है, और सारे डिडक्शन जो नेट सैलरी आती है आपकी लेवल 7 में बात किया जाए तो 78,785 में बोला था 80,000 के आसपास। ऐसे लेवल जो 6 होता है वो आपका 63,000, लेवल जो 5 होता है 53,000, और लेवल जो 4 होता है मतलब इवन आपको 2400 ग्रेड पे भी 47,000 के आसपास सैलरी मिलती है, जो एक बहुत बेहतरीन सैलरी होती है। और इसके बाद की तो कमाई की तो बात हम लोग अलग करेंगे। तो यहां पे बात किया जाए तो वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं, और वैकेंसीज टोटल कितनी है, वैकेंसी टोटल आपके पास 2006 है, जो एक बात में इनमें क्या किया जा रहा है ड्यू कोर्स में इनकी वैकेंसीज कुछ और जुड़ेंगी, तो ये 2006 से मतलब 300-400 पद और अगर जुड़ेगा लगभग 2500 के आसपास आप मान सकते हो कि इसमें पद रहेगा, जो वाकई बहुत बढ़िया। अब एलिजिबल कौन है, तो भाई स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में जो अप्लाई करने वाला बच्चा होगा वो 18 से 30 साल की उम्र उसकी होनी चाहिए ग्रेड सी के लिए, मतलब लेवल 6 लेवल 7 के लिए, बात समझना 4200-4600 ग्रेड पेक वाले के लिए 18 से 30 साल की उम्र होनी चाहिए। और जो कट ऑफ डेट एसएससी ने दिया है वो 1/8/2024 दिया है, मतलब कि 2/8/94 से क्या होना चाहिए, उससे पहले नहीं पैदा होना चाहिए और 1/8/2006 के बाद नहीं पैदा होना चाहिए। बस स्टेनोग्राफर जो ग्रेड डी है इसमें 18 से 27 मतलब मिनिमम एज तो दोनों में सेम है, बस आपका क्या है, आपका मैक्सिमम एज में 3 साल का डिफरेंस है। जो आपका ग्रेड सी वाले हैं वो 30 साल और जो ग्रेड डी वाले हैं वो आपके कितने, वो आपके 27। इसकी भी कट ऑफ डेट आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन सारी कैटेगरीज वाइज मिलता है, जैसे एससी एसटी 5 साल, ओबीसी 3 साल, पीडब्ल्यूडी 10 साल, ओबीसी पीडब्ल्यूडी में 13 साल, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी 15 साल, एक्स सर्विसमैन का आपका अलग कैटेगरी चलता ही है, वो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट लेके। अब रही बात यहां पे कि बाकी जो रिलैक्सेशन है ग्रुप सी पोस्ट वालों के लिए, कुछ ऐसे हैं जो केवल ग्रुप सी पोस्ट वालों के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन होते हैं उनको केवल ग्रुप सी वालों को दिया जा रहा है। ग्रुप सी बोला जाए पोस्ट ओनली है ना, ग्रेड सी यहां पे
ग्रुप सी बोला है, ग्रेड नहीं बोला है, यहाँ पे ग्रेड लिखना चाहिए, मेरे ख्याल से मिस्टेक है, तो ये ध्यान दीजिएगा केवल इनके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। आगे आते हैं, सॉरी ग्रुप सी मतलब कि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो ग्रेड होगा ग्रेड डी होना चाहिए, ठीक है, ये ग्रेड डी वालों के लिए रिलैक्सेशन है, ग्रुप सी इन्होंने दिया है केवल उनके लिए रिलैक्सेशन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि आप मतलब एज्यूम नहीं कर सकते हो, शायद ही कोई ऐसा डिपार्टमेंट कोई विभाग होगा जहां पे आप 4600 ग्रेड पी की नौकरी केवल 12वीं पास पे करने जा रहे हो। तो ऐसे बच्चे जो 12वीं जस्ट पास किए हैं और स्टेनो साथ में सीख रहे थे या स्टेनो थोड़ी बहुत भी आती है, तो आपके लिए सबसे कम समय में आपको ये नौकरी, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। आप ग्रेजुएशन स्किप कर गए, आप पोस्ट ग्रेजुएशन स्किप कर गए, आप तमाम एक्सपीरियंस स्किप कर गए, आप 12वीं के बाद सीधा 4600 ग्रेड पे के अफसर बन गए, 4600 ग्रेड पे के ऑफिसर बन गए, टॉप मिनिस्ट्रीज में टॉप डिपार्टमेंट्स में आपकी पोस्टिंग है, एंड ये मतलब एजम्पशन से बाहर है। आप 18-19 साल के उम्र में अगर आप 4600 ग्रेड पे की नौकरी पाते हो तो आप अपने रिटायरमेंट तक एक आईएएस कैडर तक पहुंच जाओगे, ये आपको देखना है, यहां पे आपको बेनिफिट मिलता है। तो इस मामले में इससे बेहतर मुझे ख्याल से स्टेनो की, एसएससी स्टेनो की इससे बेहतर, मतलब अगर इस सारी स्टेनोस की बात कर लिया जाए तो एसएससी स्टेनो में लेवल 6 लेवल 7 से बेहतर कोई जॉब है ही नहीं, जो 18 साल के बच्चों को भी, 12th के वाले बच्चों को भी एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देता है। तो आप में से जो भी 12th जस्ट पास आउट है या जो 18 साल के आसपास है, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन आप सभी लोग इस बात से खुश हो कि नहीं, कि कितना बढ़िया आपको मौका मिलता है। तो यहाँ पे केवल 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट यहाँ पे होना चाहिए। अब 12th स्टैंडर्ड मतलब कोई ग्रेजुएशन किया है तो नहीं, वो भी भर सकता है, आप ज्यादा से ज्यादा 12th ही दिखा दो, लेकिन वो भी भर सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एप्लीकेशन फी इसमें केवल 100 रुपए मांगता है, बाकी वुमेन कैंडिडेट हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, इन सबसे कोई फीस नहीं ली जाती है, ये बड़ी बात है। अब आते हैं कि कैसे करें, तैयारी वाला जो पार्ट था कि हम लोग आखिर इसकी तैयारी कैसे करें, तो इसमें मैं आपको बता दूं जो बच्चों का सबसे बड़ा डर है ना, जो केंद्र स्तरीय बच्चे हैं या जो एसएससी की तैयारी बहुत पहले से कर रहे हैं, उनको तो ये 100 नंबर इंग्लिश इतनी दिक्कत नहीं करती, लेकिन ऐसे बच्चे जैसे यूपीपीएससी एपीएस की तैयारी कर रहे थे, किसी कारण से नहीं हुआ, जैसे यूपीएसआई एएसआई में तैयारी कर रहे थे किसी कारण से नहीं हुआ, या तमाम यूपी ट्रिपल एससी में स्टेनो की वैकेंसीज आती है उनकी तैयारी कर रहे थे, तो ऐसे बच्चे जो जिनको स्टेनो सीख रहे थे और उनकी अभी एज भी है 30 साल से कम एज भी है और उनमें कहीं किसी कारण से नहीं हो पाया है, तो ये एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी आपको देता है। तो इस कारण से आप यहां पे करो और केवल इंग्लिश मात्र से आप डरो नहीं। देखो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप प्रयास करोगे, जो आप मेहनत करोगे आपसे होगा नहीं, सिमिलरली इंग्लिश भी है। और इंग्लिश अभी मैं आपको पूरा बता रहा हूं टीम परीक्षा प्लस कितना बेहतरीन प्रोग्राम आपके लिए लेके आ रही, बट अभी फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए आप ये इंग्लिश को दिमाग में मत रखो। आप ये देखो कि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है और ये 50 क्वेश्चन आप चाहे यूपी ट्रिपल एससी का पेपर देने जाओगे, आप चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का पेपर देने जाओगे, आप किसी राज्य का पेपर देने जाओगे, किसी भी स्तर का पेपर देने जाओगे, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपसे रीजनिंग पूछता है। और रीजनिंग एक ऐसा विषय है जो हर बच्चा पढ़ता है, सबसे स्कोरिंग विषय है, इसमें 50 में बच्चा 48 तक का नंबर लाता है बहुत इत्मीनान से। जो बच्चा ज्यादा होशियार होता है वो 50 में 50 भी लाता है, और मैं एवरेज या अबव एवरेज की बात करूंगा तो वो भी 50 में से 45-46 नंबर ले आता है, बिलो एवरेज भी बच्चे 42-43 ले आते हैं, तो बहुत डिफरेंस नहीं क्रिएट करता ये 42 से लेके 49 के बीच में 50 के बीच में नंबर लाना, इसमें कोई बहुत कठिन बात नहीं है। तो ये पार्ट तो भाई सबके लिए यहाँ पे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं किया, ये बात कॉम्पिटिशन भी बराबर है और ये बात आप लोगों ने पढ़ा भी है, आप लोग को केवल यहाँ पे प्रैक्टिस की आवश्यकता है। दूसरा है आपका जनरल अवेयरनेस, एसएससी की जो जीएस होती है वो थोड़ी सी उटपटांग होती है, और उटपटांग ऐसी नहीं होती है कि आप कर ही नहीं पाओगे, उसमें कन्वेंशनल पूछने से ज्यादा आपका क्या पूछता है, स्टैटिक जीके पूछता है, आपका क्या पूछता है, आपका करंट अफेयर्स ज्यादा पूछता है, और आपके जो कन्वेंशनल पार्ट है, कन्वेंशनल पार्ट जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरमेंट हो गया, साइंस हो गया, इन सबके फैक्चुअल पॉइंट, इन सबके मतलब जो कन्वेंशनल जीएस है, पारंपरिक जीएस है, कन्वेंशनल जीएस मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स साइंस, इसमें क्या होता है, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है। अगर आप इस बात को दिमाग में रख लोगे तो आपका इस 50 में से नहीं कुछ तो 35 से 40 के बीच में नंबर आपका आ जाएगा इस 50 में से, अगर इन पोर्शन पे अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर लोगे, मतलब अच्छी प्रिपरेशन, बढ़िया प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं, तब आपके 35 से 40 के बीच में नंबर आएंगे।
और इंग्लिश ऐसा है कि इंग्लिश में जो 100 नंबर है इसमें बहुत सारे पैसेज होते हैं, बहुत सारे आपके क्या होते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, बहुत सारे इडियम्स होते हैं, तो ये वाले पार्ट क्या होते हैं, स्कोरिंग पार्ट होते हैं जो नंबर बूस्ट करा देते हैं। तो आप इन पार्ट को 100 में से मतलब आपको मैं बोलूं तो 55-60 नंबर लाना बहुत आसान बात है। यह बात अलग है कि 100 में जैसे हम 70 नंबर के ऊपर जाते हैं तो हिंदी भाषी क्षेत्र वाले बच्चों के लिए 70 के ऊपर लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो करना क्या है भाई, आपका कट ऑफ भी तो 150 के आसपास लग रहा है, आप मैक्सिमम कट ऑफ लगेगा, इतनी ज्यादा वैकेंसी है मैक्सिमम कट ऑफ लगेगा तो 150 के आसपास लगेगा। आप रीजनिंग में फुल कर लो, आप जीके जीएस में थोड़ा ज्यादा करने, जो हिंदी भाषी क्षेत्र के, इंग्लिश भाषी क्षेत्र के हो अगर आप, तब तो आप इंग्लिश आपके पास तो एडवांस ही है, लेकिन अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हो तो आप जीएस में ज्यादा मेहनत कर लो, और इंग्लिश भी आप मेहनत करते रहो 150 नंबर। अगर आप इसमें कितना नंबर ले आए, 100 में 70 नंबर भी ले आए तो 70 यहां पे 35 यहां पे आपका देखा जाए और 45 यहां पे, तो 40, 30, 70, 80, 8, 7, 15 मतलब कि आप एक गुड अटेम्प्ट लेके चलोगे कि रीजनिंग में आपका 45 स्कोर बन जाए, जीएस में आपका 35 बन जाए और इंग्लिश में 70 बन जाए। और ये मैं वो स्कोर बता रहा हूं जो पॉसिबल है, जो डुएबल है, मैं हवा हवाई नहीं मार रहा हूं, यहां बच्चा यही ऐसे करके ही स्कोर करता है और आपका 150 स्कोर करके सिलेक्शन ले जाता है। बाकी जो बच्चे हाई तौबा करते रहते हैं वो करते रह जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता। 2 घंटा आपको इसमें समय मिलेगा और 1/4 निगेटिव होता है, 0.5 आपकी क्या होगी, निगेटिव होगी। अब रही बात की तैयारी हम कहां से करें सर, इन विषयों को कहां से पढ़े, तो देखो मैं ये मान के चल रहा हूं कि रीजनिंग और जीएस आपकी तैयार होती है, लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो बिल्कुल अभी 12th जस्ट पास आउट किए हैं, उनको भी तैयारी करना है। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि टीम परीक्षा प्लस आपका इसके लिए बहुत डेडिकेटेड बैच लेके भी आ रही है, आप उस बैच से जुड़ सकते हो जिसमें रीजनिंग भी, जिसमें जीके जीएस भी और इंग्लिश भी आएगी, और साथ में ऐसे बच्चे जिनका रीजनिंग और जीके जीएस तैयार है उनके लिए केवल इंग्लिश का भी बैच सेपरेट कर दिया जाएगा। तो केवल जो बच्चा इंग्लिश से जुड़ना चाहेगा इंग्लिश का भी बैच आपका आ जाएगा, मतलब हम 2 बैचेस लेके आएंगे इसके लिए, एक आपका क्या होगा, एक आपका फुल बैच होगा, एक आपका फुल बैच होगा। फुल बैच में आपका क्या होगा, कंप्लीट बैच में आपकी लाइव क्लासेस है सारे सब्जेक्ट की, आपकी लाइव क्लासेस, इन्हीं क्लासेस की क्या हो जाएगी, इन्हीं क्लासेस की रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी आपको, क्लास नोट्स जो पीपीटी पढ़ाए जाते हैं क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्लास नोट्स के साथ साथ आपको बुकलेट नोट्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएगा, इसकी मैं स्ट्रेटजी अलग से लेके जाऊंगा, उसमें दिखा दूंगा सब कुछ, उसमें बुकलेट नोट्स आपको मिल जाएंगे और साथ में आपको बेहतरीन क्या मिल जाएंगे, टॉपिक टेस्ट मिल जाएंगे। तो ये फुल बैच है, ये ऑल सब्जेक्ट, ये क्या है, ये ऑल सब्जेक्ट का है और इसकी फीस भी हम लोग बिल्कुल नॉमिनल रखेंगे। अभी आपको फीस, क्योंकि ये बैच अभी आने वाला है तो अभी आया नहीं है, इस कारण से फीस भी आपको मैं अनाउंस कर दूंगा जब बैच के बारे में बताऊंगा, लगभग आपका 700-800 के आसपास आएगा। और ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश का भी एक बैच लेके आ रहे हैं, ओनली इंग्लिश का बैच लेके आएंगे, ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ओनली इंग्लिश में केवल सारी चीजें मिलेंगी ऐसे ही, लेकिन ओनली इंग्लिश में सब्जेक्ट केवल इंग्लिश रहेगा और इसका बैच भी हम लोग लगभग 400 के आसपास लेके आएंगे, तो ये भी आप लोग बहुत बहुत कम प्राइस में लेके आएंगे। तो ये जो डर है आपका, वो डर मत करिए, आपको तैयारी करनी है, आप टीम परीक्षा प्लस के साथ जुड़िए और बेहतरीन तैयारी करिए। इसके साथ में अभी अभी ये जैसे आपका पूरा सिलेबस है, साथ में अभी हम लोगों ने आज से ही, आज 4 बजे सेशन बहुत सारे बच्चों ने किया होगा, अभी हम लोग एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का ग्रेड सी डी का स्पेशल इंग्लिश का सर्विस है, बहुत बेहतरीन। ये एक्स एसीआईओ ऑफिसर भी हैं, एसएससी भी क्रैक कर चुके हैं, उनकी जॉब छोड़ चुके हैं, नारकोटिक्स में था इनका, ठीक है, वहां से एक्स एसीआईओ में गए और वहां से छोड़ के अब परीक्षा प्लस में अपना हम लोग के साथ बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग को पढ़ा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि सर ऐसे ही ऊर्जा के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते रहें, सर का सपना भी हमेशा बच्चों को टीचिंग में और बहुत बेहतर उन्हें इंग्लिश पढ़ाने का रहा है, और एक बार सर को भी मौका दीजिए इंग्लिश पढ़ाने के लिए। तो 4 बजे से ये आपकी 4 PM देखोगे, यहां पे हम लोगों ने अभी पूरा प्रीवियस ईयर जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है इसका सेशन लेके आ रहे हैं और ये हम लोग का लगातार 3-4 दिन चलेगा। उसके बाद में इसी 4 बजे पे इंग्लिश का आपका प्रैक्टिस भी स्टार्ट करवा दूंगा। तो जो बच्चा जैसे कि उसकी रीजनिंग तैयार है, उसकी जीएस तैयार है और इंग्लिश वैसे नहीं भी जुड़ना चाहता है, तो आप ये 4 बजे फ्री वाला बैच क्या करोगे, फ्री वाले बैच से जिसमें केवल प्रैक्टिस होगी, यहां से आप अपना कवर कर सकते हो। जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता है, जो अभी 12th जस्ट पास आउट है, वो बच्चा अगर फुल पढ़ना चाहते हैं तो फुल कोर्स जुड़ ले, अगर केवल इंग्लिश चाहिए तो केवल इंग्लिश ले ले। तो ये आपको सारे ऑप्शन दे दिए गए हैं, आप इनसे जुड़ के अपनी तैयारी को एक बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हो। रही बात आपकी स्टेनो के स्किल की, तो स्किल के बारे में बता दूं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि स्किल टेस्ट इसमें क्या स्पीड मांगता है, तो आपको इसमें इसके स्टेनो वाले बच्चे इनकी जानकारी होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं अगर आपको नहीं पता है,
कि इसमें सबसे पहले डिक्टेशन बोला जाता है। जैसे डिक्टेशन क्या होगा, वहां पे जो टीचर होगा, आप सारे बच्चे एक साथ बैठे रहोगे, अपना एक पेपर पेन लिए रहोगे, पेंसिल लिए रहोगे, और आप जो भी अपने हिंदी या इंग्लिश स्टेनो आती है आप उसमें हिंदी का डिक्टेशन अलग, इंग्लिश का अलग, दोनों के लिए 10 मिनट समय दिया जाएगा, 10 मिनट इंग्लिश के लिए, 10 मिनट हिंदी के लिए। आप दोनों में से किसी से फॉर्म भर सकते हो, ऐसा नहीं, बोथ, आप चाहे हिंदी स्टेनो से भर दो चाहे इंग्लिश स्टेनो से भर दो, आप किसी भी एक से भर दोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपका क्या होगा, 10 मिनट, 10 मिनट आपका क्या दिया जाएगा, डिक्टेशन दिया जाएगा। अब वो जो वो बोलेंगे हिंदी में या इंग्लिश में, और आपको उसे अपने लिखना है स्टेनोग्राफी में, और फिर आपको समय दिया जाएगा कितना, ग्रेड डी के लिए इंग्लिश वालों को 50 मिनट समय दिया जाएगा कंप्यूटर पे उतारने के लिए। ऐसे ये उनके लिए है जो जिन्हें स्क्राइब की आवश्यकता होती है, ठीक है, जो डिसेबल्ड कैंडिडेट होते हैं उनके लिए है, बाकी जो जनरल कैंडिडेट है उन्हें ये समझेगा, नॉर्मल कैंडिडेट। तो इंग्लिश वालों के लिए ग्रेड डी में 50 मिनट समय दिया जाएगा उसी चीज को ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए, इस ग्रेड डी में हिंदी वालों को 65 मिनट समय दिया जाएगा, ग्रेड सी में इंग्लिश वालों के लिए 40 मिनट समय दिया जाएगा, और ग्रेड सी में हिंदी वालों को 55 मिनट समय दिया जाएगा, वही जो आपने स्टेनोग्राफी लिखा है वो कंप्यूटर में उतारने के लिए। तो 10 मिनट डिक्टेशन का और बाकी ये जो समय है आपको कंप्यूटर पे उस चीज को उतारने का। एक बात समझिएगा, एसएससी कहती है कि आप चाहे हिंदी से फॉर्म भर लो, आप चाहे इंग्लिश से फॉर्म भर लो, लेकिन आपको जो प्रोबेशन पीरियड दिया जाता है उसमें अगर आपने हिंदी से एक सिलेक्शन लिया है तो आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा, आपने इंग्लिश से सिलेक्शन लिया है तो आपको हिंदी सीखना पड़ेगा, क्योंकि जरूरत के हिसाब से आपको कहीं भी किसी भी जगह पे भेजा जा सकता है। तो अभी भले एक आती है, इन फ्यूचर आपको दोनों ही सीखना पड़ेगा, एसएससी में स्टेनो का ये प्रोविजन है। राज्य स्तरीय में क्या होता है, जिससे आप लोग देते हो उसी को सीखे रहो जिंदगी भर, उसमें इंग्लिश सीखने की बात नहीं की जाती है या हिंदी सीखने की बात नहीं की जाती है, यहां पे जो आपको आता है उसके अतिरिक्त भी दूसरी भाषा में आपको सीखना पड़ता है। बाकी इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी होगी आप उससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नीचे नंबर चल रहे हैं इन पे कॉल कर सकते हो। बैच कहां से खरीदना है तो आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाओगे, वहां से बैच से जुड़ सकते हो। क्लासेस कहां से फ्री वाली अटेंड करनी है तो इसी परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे आपको क्या करना है, आपको शाम को 4 बजे आना है, आपको लाइव क्लास मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड करोगे, ऐप पर रजिस्टर करोगे तो उस पर भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। जो क्लासेस की प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी यूट्यूब पे भी, साथ में पूरी प्लेलिस्ट आपको परीक्षा प्लस ऐप पे यूट्यूब प्लेलिस्ट के फोल्डर में रहती है, तो आप बिना इधर उधर भटके हुए वहां पे भी देख सकते हो। और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको परीक्षा प्लस ऐप पे यूट्यूब पीडीएफ के नाम से एक सेक्शन है उसमें लगाई जाती है, तो आप वहां से देख सकते हो। तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, मेरे ख्याल से तो मैंने सब कुछ आपको दे दिया, कोई डाउट आपका नहीं रह गया। फिर भी कोई समस्या कोई परेशानी निसंकोच आप अपने बड़े भाई से पूछ सकते हो, अपने बड़े भाई से वो डाउट क्लियर कर सकते हो। जो भी आपको अपेक्षाएं हैं परीक्षा प्लस से अपने बड़े भाई से मुझसे, तो आप पूछ सकते हो, कह सकते हो, आपकी सारी बातों को बहुत विनम्रता पूर्वक सुना जाएगा और आपकी सारी परेशानियों को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।